विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में दातारामगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले दुशातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी हिम्मत सिंह ने बताया कि खाजरियावास इलाके में लगातार काफी समय से विद्युत ट्रांसफार्मर की चोरी कर तेल और तांबा निकालने की घटनाएं घटित हो रही थी, जिसको लेकर विद्युत विभाग की खाजरियावास चौकी के कनिष्ठ अभियंता रुक्मेश घायल ने विद्युत अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर गंभीरता से जांच करना और पड़ताल करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस को चोरी की घटना स्थल से अहम सुराग हाथ लगे, जिसमें पुलिस को खाजरियावास के सरकारी अस्पताल की मरीज की दवाई की पर्ची मिली। उसी सरकारी अस्पताल की पर्ची की निशादेही पर पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी मामले की गुत्थी सुलझाते हुए चोरी के आरोप में सुभाष बावरिया और अशोक बावरिया को दस्तयाब कर कड़ी पूछताछ की गई। इस दौरान उन्होंने ट्रांसफार्मर चोरी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया। थाना अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से दोनों को पुलिस रिमांड पर लिया गया। पुलिस दोनों आरोपियों से चोरी किया हुआ सामान बरामद करने का प्रयास कर रही है।